आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान की आर्मी किस तरह से अपने जवानों को पीछे रख के और ऑफिसर्स को आगे लेकर के ऑपरेशंस करते हैं, क्योंकि हमारा पहला चीज क्या है, चियाटूट क्रेडो, सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर मैन कम योर कंट्री कम फर्स्ट, द ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ मैन यू कमांड कम नेक्स्ट, योर ओन ईज एंड कम्फर्ट कम लास्ट आफ ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसका मतलब ये कि अपने पहले अपना देश, फिर अपने जवान। और हिंदुस्तान की आर्मी की सबसे बढ़िया खासियत यह है कि हम पहले गोली नहीं चलाते, हम अपने बंदे, जो भी बंदा है ना, जब तक हमारे ऊपर खतरा नहीं होता हम उसको अप्लाई नहीं करते, सबसे बढ़िया खासियत है। और इसके बावजूद जब हम चाहते हैं कि कुछ कानून ऐसे बने स्ट्रिक्ट कानून कोलैटरल डैमेज के, तो जहाँ पे हमारे बंदे जो ऑपरेशन करने आते हैं तो उनको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल ना किया जाए। आज का भी ऑपरेशन हुआ, पूरा बंदे ने पूरा अपनी तरफ से कोशिश की होगी, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज दिमाग में रहती है कि अगर कहीं गलती से कोई बंदा मर गया तो मैं बैठ के यहाँ पे इंक्वायरी फेस करूंगा, इन्वेस्टिगेशन फेस करूंगा, और हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। ये हो रहा है क्योंकि अभी तक आर्मी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में सेक्शन 4-5 जो बना हुआ है इनका, उसमें लिखा हुआ प्रोटेक्शन, बट तब भी उसके बावजूद ह्यूमन राइट वायोलेशन के केसेस, फर्जी केसेस आ जाते हैं और हमें झेलना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या चीज है, उसके पास ट्रिगर है और फौज जो है बुलेट है। तो जब आप बोलते हो यहाँ डिस्क्लेयर कर दिया डिस्टर्ब एरिया, और जब ये ट्रिगर आप प्रेस कर देते हो तो आप बुलेट को क्यों दोषी दे रहे हो? गवर्नमेंट को अपने ऊपर लेना चाहिए ना कोलेटरल डैमेज देकर के। जब ये चीज नहीं होती है और आप उसकी FIR लेकर के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराते हो बंदे के ऊपर जो ऑपरेशन कर रहा है, तो उस बंदे का मोरल क्या रहेगा? आज की डेट में ठीक है, पैसे से जान वापस नहीं आती। आप वैक्सीनेशन दे दो, आप उसकी वाइफ को नौकरी दे दो, बट आपने किसी का बच्चा, किसी का भाई, किसी का फादर छीन लिया, वो वापस नहीं आएगा। लोग सोचते हैं हाँ भाई ये तो सोल्जर है, इसका काम ही है, कुछ नेता ऐसे बोलते हैं, बोला है। ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जिनको पब्लिक चुन के लाती है, फिर बाद में ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं। लर्नेड सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब को बोला था उस केस में, नॉर्थ ईस्ट के केस में डिसमिस करने में, कि भाई आपका कानून आप बना लीजिए, आपका गवर्नमेंट चल रही, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या साइलेंस इज द बेटर डिफेंस फॉर देम। जहां पे कोई मुद्दा उठता है चुप्पी छाप लो, उसके बाद कुछ मत। जहां पे गवर्नमेंट बात करती है इनका, देखिए मैं सबसे बढ़िया इनका तरीका बताता हूं जो इनको लीगल एडवाइजर्स ने बता रखा है। पहली चीज तो साइलेंस रखो, अन्याय करो साइलेंस रहो। जब साइलेंस हो जाते हो तो फिर बंदा जाएगा कोर्ट में, जैसी कोर्ट में मैटर जाता है तो इनका क्या कहना होता है वहां पे, मैटर सब जुडाइज है, हम कुछ बोल नहीं सकते, तब नेता बाहर आके बोलते हैं। बहुत डिफरेंस है फौज में काम करना और नॉर्मल आदमी की तरह 24 घंटे मानसिक और शारीरिक तौर पर फौजी काम करता है। मानसिक तौर पर इसलिए करता है कि रात में सो भी नहीं पाता, टाइम पे सुबह उसके दिमाग में होता है। जो कहते हैं ना सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, इस चीज को जब तक वो लिखेंगे नहीं ना तब तक समझ में नहीं आएगा। आप फौज को बढ़ाना चाह रहे हो, एक तरफ बोलते हो मैं टेक्निकल सेवी करना चाहता हूँ फौज को, दूसरी तरफ बोलते हो नहीं ये नहीं करेगा। तो ये सब पॉलिसीज वगैरह जो बनाई है आपने, जिसको देश से गद्दारी करनी है ना उसको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक बात, समझ गया ना, आप कुछ भी कर लेगा, जिसका नमक हराम है जो नमक हराम है, लेकिन यही फौजी है जो उनमें से ही सॉर्ट आउट कर देंगे, हम नहीं छोड़ते किसी को ऐसे बंदे को। कश्मीर में एक बहुत दुखद घटना घटी, आर्मी के मेजर कर्नल और एक और पुलिस अफसर की डेथ हुई, आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। देश के बहादुर लोग थे ये, देश के जांबाज लोग थे, और इनकी हत्या बेरहमी से हो गई, देश सन्न रह गया। एक भी फौजी के खून की एक बूंद कहीं गिरती है तो पूरे देश को दर्द होता है, मुझे दर्द होता है, आपको दर्द होता है। और जब ये खबर आई कश्मीर से कि तीन तीन बहादुर हमारे जांबाजों की बेरहमी से हत्या कर दी, मेरी लाइव डिबेट खत्म हुई थी, मैं सन्न हो गया, मैंने टीवी चैनल खोला, मुझे लगा कि हर चैनल पे आज ये प्रमुखता से खबर चल रही होगी कि कितने मासूम थे ये लोग, कितने प्यारे चेहरे थे, इनके बूढ़े माँ बाप, इनकी पत्नी, इनका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे कि हमारे परिजन कश्मीर से लौट कर आएंगे, पर कल इनकी लाश इनके घर वालों को मिलेगी। धरती हिलती है, आसमान रोता है जब कोई बहादुर अपने शरीर को इस तरह छोड़ता है। मैंने टीवी चैनल खोला, बहुत भारी मन से खोला, और वहां पे तस्वीरें चल रही थी कि प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचे और जश्न मन रहा था, फूलों की बरसात हो रही थी, गोदी मीडिया लोहा लाट हुआ जा रहा था और प्रधानमंत्री जी की तारीफ में कसीदे पढ़ता जा रहा था कि G20 का कितना सफल आयोजन हुआ, हमारी डंका बच गया दुनिया में।
किसी के ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती कि वो हजारों करोड़ का खर्चा जो हुआ, जो पंडाल बना, उस पंडाल में एक बारिश में पूरा पानी भर गया। 24 घंटे पहले अगर बारिश हो जाती तो हम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, फायरब्रांड प्रवक्ता हैं आलोक जी, उन्होंने आज तक चैनल पे कहा कि ये बिना टेंडर के काम दिया गया और खास कंपनियों को दिया गया। ये जो भी करें आप, ये जो भी आप बंटाधार करें देश का, जो आप भ्रष्टाचार करें स्वीकार है, लेकिन जब देश के 3 बहादुर अपने प्राण दे दें तो इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसे किसी जश्न में शामिल नहीं होना चाहिए जिसको देखकर उस शहीद के परिजन पूछें आज हमारा लाड़ला चला गया और आप अपने ऊपर फूलों की बारिश करा रहे हो। यह कैसे संभव हो सकता है? यह किन हालातों में संभव हो सकता है कि देश के राजा को फर्क नहीं पड़े कि कश्मीर में उसके बहादुर जांबाज अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं? कैसे किसी राजा को यह एहसास नहीं होता कि सेना को किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है? दर्द होता है, दुखद है। और फिर मैंने आज जो शहीद हुए हैं, जो शहीद सेना के जांबाज हुए हैं, मैंने उनके रेजिमेंट के एक बहादुर अफसर कर्नल अमित को ढूंढा। मैंने कर्नल अमित से बात करी, उनका साथी था जो अफसर आज शहीद हुआ। मैंने पूछा उन सेना के दर्द क्या है, सेना की परेशानी क्या है। और यकीन मानिए, जो कर्नल अमित की बात मैं कर रहा हूं उसको सुनकर आपको रोना आ जाएगा। आप यकीन करिए कि अगर कर्नल अमित ने जो बातें बताई हैं आप उनको सीरियसली सोचेंगे तो आपको भक्तों की शक्ल देखने का मन नहीं करेगा। जो नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो 5वीं अर्थव्यवस्था बनने की बातें करते हैं, उनके पास सेना के इतने बुरे हाल करने के लिए, सेना को जवानों को पैसा देने के लिए नहीं है। सेना के पेंशन के में कटौती की जा रही है, सेना के अफसरों के सैनिकों के भत्तों में कटौती की जा रही है। इस देश में हो क्या रहा है, ये इस देश में ये चल क्या रहा है? आप हजारों करोड़ की एक नई संसद बना देते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, आप हजारों करोड़ का एक जहाज खरीद लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इस देश की सेना को, इस देश के जवानों को, इस सेना, देश की सेना के अफसरों को देने के लिए पैसा नहीं है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। मैं आज सेना के इस दर्द के साथ हूं, मैं आज सड़ी गली नपुंसक व्यवस्था के खिलाफ हूं जिस देश के एक भी सैनिक और एक भी अफसर के दर्द को सत्ता महसूस ना कर पाए। मैं उस दर्द के साथ, मुझे आज वो भी सीन याद आया जब 2014 की जनसभाओं में नारा लगाया गया था कि पाकिस्तान हमारे हेमराज का सर काट के ले गया है, हमारे बहादुर सिपाही का सर काट के ले गया है, सत्ता में आए तो हम पाकिस्तान में घुसकर अपने बहादुर का सर वापस लाए। और जनसभाओं में जब यह नारा बोला जाता था, जब यह डायलॉग बोला जाता था, तो जनसभा में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे और लोग जयकारा नारा लगाते थे और कहते थे हम इस दिव्य पुरुष को प्रधानमंत्री बनाएंगे जो हमारे इस बहादुर हेमराज का सर काट के जो ले गए हैं उनसे वो सर वापस लेकर आएगा। और बन गए, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, शपथ ग्रहण हुआ, देश को यकीन था कि अब हेमराज का सर वापस आएगा और हम उसको पूरे भाव भीन तरीके से उसको श्रद्धांजलि देंगे, उसको देखेंगे। लेकिन उस शपथ ग्रहण समारोह में हेमराज नहीं आया बल्कि हेमराज का सर काटने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आए और उनके स्वागत सत्कार में हमने दिन रात बिछा दी, दिन रात एक कर दिया, गलीचे बिछा दिए, लाल गलीचे बिछा दिए। हमको लगा चलो शायद इनसे अनुरोध किया जाएगा कि हमारे हेमराज का सर वापस कर दो, लेकिन वो अनुरोध नहीं किया गया। बल्कि कुछ समय बाद जब विदेश से प्रधानमंत्री लौट रहे थे तो पाकिस्तान में जहाज उतरवा दिया गया और फिर प्रधानमंत्री जी ने उसी सर काटने वाले मुल्क के प्रधानमंत्री को हैप्पी बर्थडे का और उनके लिए तोहफों की बरसात कर दी। क्या ये दर्द मैं अब बातें नहीं करूं? क्या मैं इस दर्द को साझा नहीं करूं? मैं इस देश के नेतृत्व से नहीं पूछूं कि आप कर क्या रहे हैं? क्या मैं इस देश के नेतृत्व से सवाल नहीं करूं कि ये सब क्यों हो रहा है,
क्या मैं इस देश के नेतृत्व से यह नहीं पूछूं कि क्या आपके मन में हमारे सैनिकों और हमारे अफसरों के लिए यही सम्मान है? और अगर मैं नहीं पूछूंगा तो यकीन मानिए मैं मर चुका हूं, मैं बिक चुका हूं और मैं खत्म हो चुका हूं। कर्नल अमित के पास ले चलता हूं आपको, मुझसे पूरी गुजारिश करूंगा, पूरा इंटरव्यू सुनिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट कर्नल अमित के हौसलों को बढ़ाएगा। कर्नल अमित जो फौज की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके अंदर हिम्मत देगा। इस देश को कर्नल अमित जैसे बहादुरों की जरूरत है। चलते हैं सीधे कर्नल अमित के पास। स्वागत है कर्नल अमित जी। मेरा सौभाग्य कि आज मैं फौज के एक ऐसे बहादुर और जावाज अफसर से बात कर रहा हूं जिसने फौज की बेहतरी के लिए, जिसने जवानों की अफसरों की बेहतरी के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ी कि हमारी फौज मजबूत हो, दुश्मनों के सामने सीना तान के खड़ी हो, हमारे जवान और हमारे अफसरों को ये दिमाग में ये भय ना रहे कि उनके सामने परेशानियां क्या क्या आएंगी अगर वो गोली चलाते हैं या उनके ऊपर गोली चलाते हैं। आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, आप भारतीय फौज के उस जावाज अफसर के रूप में हमेशा याद रखे जाते हैं जो अपने साथियों के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लड़ाई लड़ता रहा और उसने कई परंपराएं काम करी। और मैं ऐसे दुख की घड़ी में आज आपसे बात कर रहा हूं जब कश्मीर में हमारे एक बहादुर मेजर कर्नल और वहां के डिप्टी SP शहीद हो गए। धारा 370 हटने के बाद कहा गया था कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया, लेकिन आज बहुत दुखद घटना घटी है। कर्नल अमित, ये जो फौज है, ये जो बहादुर लोग हैं, ये जो अपना घर परिवार अपनी जान नहीं देते, देखते हैं बॉर्डर की सीमा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, क्या इनको इनके हक मिल पा रहे हैं? क्या इनको इनके अधिकार मिल पा रहे हैं? आप जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों के लिए आप लड़ रहे हैं, वो मुद्दे हैं क्या और दर्द क्या है? देखिए संजय जी, आपको मालूम है बहुत कम, ज्यादातर कुछ लोगों के उसमें जाता हूँ, आप अभिन्न मित्र है हमारे, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बताई जाती है कभी कभी। तो आपने जो आज का सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा उनको श्रद्धांजलि दे करके, जो जाबाज हमारे आज शहीद हुए हैं। और आज इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि एक कमांडिंग ऑफिसर खुद शहीद हुआ है, इसका मतलब आप समझे, मेरी रेजिमेंट का बंदा है कर्नल मनप्रीत सिंह, सेना मेडल, कंपनी कमांडर, डिप्टी SP, ये जो बंदे शहीद हुए हैं इसमें आप ये देखिए कि कमांडिंग ऑफिसर लेवल का बंदा लीड कर रहा है और वहां जाके शहीद हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान की आर्मी किस तरह से अपने जवानों को पीछे रख के और ऑफिसर्स को आगे लेकर के ऑपरेशंस करता है। क्योंकि हमारा पहला चीज क्या है, 6 फुट क्रेडो, सेफ्टी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर मैन कम योर कंट्री कम फर्स्ट, दी ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ मैन यू कमांड कम नेक्स्ट, योर ओन ईज एंड कम्फर्ट कम लास्ट ऑफ ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसका मतलब ये कि अपने पहले अपना देश, फिर अपने जवान, और ये जो हमारे रेजिमेंट के अधिकारी शहीद हुए हैं इन्होंने उस जज्बे को बना करके, आज भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार वालों को, जितने भी लोग आज शहीद हुए हैं उनको हिम्मत दे, लेकिन जो उन्होंने काम किया है ये जिंदगी की एक हिस्ट्री है, वो हमेशा याद रहेगा, स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और ये जो सारी चीजें हैं ये एक छोटी चीज नहीं है, सोल्जर्स की जो लाइफ है वो इतनी सस्ती है इस देश में कि जब जवान मरता है, पुलवामा का अटैक हो, चाहे जितने बड़े बड़े कांड हो, लोगों केवल उस समय तक इनको वो चिंता रहती है, सब अपना शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन कोई आदमी नहीं देखता है जब वो जिंदा रहता है तब तक तुम उसके लिए क्या करते हो। शहीद तो हर आदमी होता है, हर आदमी अपने वतन के लिए काम करता है, इतना जज्बा है हमारे देश की आर्मी में, हिंदुस्तान की आर्मी से बढ़िया आर्मी कोई आर्मी नहीं, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये आर्मी ऐसी आर्मी है जो किसी भी लेवल पे आप दे दो ये कभी ना नहीं करेंगे, चाहे वो अग्निपथ की अभी हमने जो केस लड़ा था उसके बाद भी बंदे चल रहे हैं, चला रही है आर्मी। तो हमारे जो गर्व है, हमें जो हमारे लीडर्स हैं जो कमांड कर रहे हैं, जिन्होंने उफ तक नहीं करने की, वो रहे एक बार हुक्म आ गया काम करना है, तो उनको जज्बे को सलाम है। इसी में से ये कमान अधिकारी जो हमारे यहाँ शहीद हुए, जो कंपनी कमांडर हमारे 19 RR के शहीद हुए हैं, और जो डिप्टी SP साहब वहाँ के शहीद हुए हैं, इन सबको एक श्रद्धांजलि मैं देता हूँ। और अब मैं आपको मुद्दे की बात बताता हूँ। देखिए जब कोई भी ऑफिसर शहीद होता है उसमें एक्स ग्रेशिया जो उसको मिलना है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में है, एक तो JNK का एक्स ग्रेशिया, यहाँ का एक्स ग्रेशिया वो मिल जाता है। लेकिन मुद्दा ये है कि हमारे बंदे शहीद क्यों हो रहे हैं, क्यों शहीद हो रहे हैं अपने देश में बाहर से आने के बाद, सबसे बड़ी चीज है। मैंने बहुत पहले एक पिटीशन डाली थी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट की, मेरे ख्याल से 1200 ऑफिसर्स उसमें आ गए थे, हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और एक ऑपरेशन के लिए गए थे जहां पे नॉर्थ ईस्ट में जो ऑपरेशन हुए थे वो बेचारा कैप्टन से लेके
ब्रिगेडियर रिटायर हो गया और उसके ऊपर वो केस चल रहा था, ऐसे कई सारे केसेस हैं। आदमी जब ऑपरेशन करता है ना तो उसको पूरा फ्री माइंड होना चाहिए। कई सारे ऐसे किस्से आप सुनते रहते होंगे, नॉर्थ ईस्ट में एक 21 पैरा एसएफ का ऐसे ही वो हुआ था जहां जवान का हमारा सर काट दिया लोगों ने। यहां पे सबसे बड़ी चीज है, जब सिक्योरिटी के मुद्दा आता है तो सबसे पहला काम क्या है कि पहला अगर आपने इनिशिएटिव नहीं लिया और आपने पहले एक्शन नहीं लिया तो वो सबसे ज्यादा नुकसान हमें करेगा। और हिंदुस्तान की आर्मी की सबसे बढ़िया खासियत यह है कि हम पहले गोली नहीं चलाते, हम अपने बंदे जो भी बंदा है ना जब तक हमारे ऊपर खतरा नहीं होता हम उसको रिप्लाई नहीं करते, सबसे बढ़िया खासियत है। और इसके बावजूद जब हम चाहते हैं कि कुछ कानून ऐसे बने स्ट्रिक्ट कानून कोलैटरल डैमेज के, तो जहां पे हमारे बंदे जो ऑपरेशन करने आते हैं तो उनको इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में शामिल ना किया जाए। मैं हमेशा बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, कोई भी डिस्टर्ब्ड एरिया है चाहे वो श्रीनगर हो या चाहे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, जब एक बंदा ऑपरेशन करता है तो उसको फ्री माइंड से ऑपरेशन करना है। हमारे देश की जो जनता है वो हमेशा हमारे साथ है और यही पेट्रियोटिज्म है जेस का, जो हमारे फौजियों को हमेशा आगे रखता है और उनको कहीं से कुछ नहीं होता। लेकिन जब देश में सुरक्षा की फौजियों की सुरक्षा और उनके ह्यूमन राइट की बात आती है तब यहाँ पे सरकार का काम बनता है। सरकार भी तो पब्लिक ने चुनी है। मैंने जब ये मुद्दा उठाया तो मैं हमेशा बोलता था कि हमारे जवानों को क्यों कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में ऑपरेशन करा रहे। आज का भी ऑपरेशन हुआ, पूरा बंदे ने पूरा अपनी तरफ से कोशिश की होगी, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि कहीं ना कहीं एक चीज दिमाग में रहती है कि अगर कहीं गलती से कोई बंदा मर गया तो मैं बैठ के यहाँ पे इंक्वायरी फेस करूंगा, इन्वेस्टिगेशन फेस करूंगा और हमें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। ये हो रहा है क्योंकि अभी तक आर्मी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट में सेक्शन 4-5 जो बना हुआ इनका उसमें लिखा हुआ प्रोटेक्शन, बट तब भी उसके बावजूद ह्यूमन राइट वायोलेशन के केसेस फर्जी केसेस आ जाते हैं और हमें झेलना पड़ता है। क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते कि आप या तो विद इन 3 मंथ्स में आप इंक्वायरी खत्म करा दीजिए या 1-3 साल के अंदर इंक्वायरी खत्म करा दीजिए, आखिर तक क्यों पेंडिंग होती। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक जिसे आप बोलते हैं ना कि डिस्टर्ब्ड एरिया, तो उसके पास क्या है, उसके पास ट्रिगर है, उसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या चीज है, उसके पास ट्रिगर है और फौज जो है बुलेट है। तो जब आप बोलते हो यहाँ डिस्क्लेयर कर दिया डिस्टर्ब एरिया और जब ये ट्रिगर आप प्रेस कर देते हो तो आप बुलेट को क्यों दोषी दे रहे हो, गवर्नमेंट को अपने ऊपर लेना चाहिए ना कोलेटरल डैमेज दे करके। जब ये चीज नहीं होती है और आप उसकी FIR लेकर के उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराते हो बंदे के ऊपर जो ऑपरेशन कर रहा है, तो उस बंदे का मोरल क्या रहेगा। हर आदमी जब ऑपरेशन करेगा तो अपने बच्चों को भी देखता है, कुछ ऐसे NCOs हैं कुछ JCOs हैं जो रिटायरमेंट पे बेचारे शहीद होके आए, क्या रह गया, उनकी क्या गलती है। बट इस पे कभी सरकार ध्यान नहीं देती, जितनी भी सरकार आई है, मैं बिल्कुल बेतुक होकर बोल रहा हूँ, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, जब सोल्जर काम कर रहा है चाहे वो पीस में हो चाहे फील्ड में हो, आप उसके लिए क्या कर रहे हो। आज की डेट में, आज की डेट में लिटिगेशन कितना बढ़ा हुआ, आपके जजमेंट हो रखे हैं, चाहे वो डिसेबिलिटी को हो बेचारे को जो पूरे टाइम अपनी जिंदगी दे करके डिसेबल होकर के आया है। फौज में खाना आप अपने समय से खाते हो, ये कहीं नहीं लिखा, आप फौज के हिसाब से खाना खाते हो, क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो, लाइफ बहुत टफ है। अब वो लाइफ आप सिविलियन से कंपेयर नहीं कर सकते। और जब आप वहां पे खड़े होते हो, जब वो डिसेबिलिटी के लिए जाता है सोल्जर किसी भी जगह खड़ा होता है, तो हमारे गवर्नमेंट के मुहिंदे और लीगल काउंसिल उसकी डिसेबिलिटी पे क्वेश्चंस मारना शुरू कर देते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे क्लियर दे रखे अपने डायरेक्शंस और जो नीचे बैठे हुए बंदे हैं वो उसको आगे बढ़ा देते हैं। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इन सब चीजों पे काम करना बहुत जरूरी है। आज की डेट में इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, हम ये ऐसी चीजें होती रहती हैं, हमारे बंदे ना शहीद होते हैं और आगे फिर थोड़े दिन तक बात चलती है, चर्चाएं चलती हैं, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन नहीं होता। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। मोराल हाई कैसे होता है आज की डेट में, ठीक है पैसे से जान वापस नहीं आती, आप टैक्स रेजिस्टर दे दो, आप उसकी वाइफ को नौकरी दे दो, बट आपने किसी का बच्चा किसी का भाई किसी का फादर छीन लिया वो वापस नहीं आएगा। लोग सोचते हैं हाँ भाई ये तो सोल्जर है इसका काम ही है, कुछ नेता ऐसे बोलते हैं, बोला है ऐसे ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में जिनको पब्लिक चुन के लाती है फिर बाद में ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं, क्योंकि आप ध्यान नहीं देते कि आपको किसको चुनना है, कौन बंदे को चुनना है। अभी यही बात आप जो मेरे से बोल रहे हैं, मैं इसी भी चीज को बार बार बोल रहा हूँ कि आज की डेट में सोल्जर को प्रोटेक्शन है या नहीं है, इस पे विषय में क्या आपने कार्रवाई की है, आपके कितने केसेस पेंडिंग पड़े, क्यों हमारे बंदों के ऊपर मुकदमा, बाहर की आर्मी में जाइए आप, कहीं कोई ऑपरेशन होता है ऑपरेशन के बाद कोई मुकदमा नहीं दर्ज होगा। गवर्नमेंट को कोलेटरल डैमेज का जिम्मेदारी लेना है, आपने क्यों भेजा हमें डिस्टर्ब एरिया में, नहीं तो पुलिस वाले को काम है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का काम है, फौज का तो नहीं है। द मोमेंट आप फौज को बुला रहे हो तो फौज के ऑपरेशंस के बाद आप भूल जाइए, इट इज समथिंग लाइक बोलते हैं ना कि एकदम से अब माउंटेन पूरा पूरा का गिर गया,
अब उसके बाद ये नेचुरल कैलामिटी समझ लो या जो समझ लो आप उसको, लेकिन फौजियों को बाहर रखो, क्योंकि ये बंदे अलग ट्रेंड है, इन बंदों को सिखाया अलग तरीके से गया, और इनकी मोटिवेशन मोराल के लिए आपको सबसे पहली चीज इनका एडम देखना है, एडमिनिस्ट्रेशन, दूसरा इनकी जो पेंशन वगैरह है जब आप वापस आते हैं, डिसेबिलिटी पेंशन, और उन दोषी ऑफिसर्स को जो ऑर्डर आने के बाद में इनको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक मनी हमारा पैसा है, हमारा आपका पैसा है, लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो रखा है, कितना लिटिगेशन बढ़ गया, ये सारी चीजें वर्कआउट करने वाली हैं, जिसपे मतलब हम मना नहीं कर सकते कि हर एक का कोई भी सरकार हो, आप तो जानते हैं हम लोग निष्पक्ष रहते हैं, आपने देखा मैं किसी गवर्नमेंट, चाहे वो मोदी साहब बढ़िया काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब ये मुद्दे आपके पास पहले से आए हैं 2014 से, लर्नेड सॉलिसिटर जनरल साहब तुषार मेहता साहब को बोला था उस केस में, नॉर्थ ईस्ट के केस में डिसमिस करने में, कि भाई आपका कानून आप बना लीजिए, आपका गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। क्या साइलेंस इज द बेटर डिफेंस फॉर देम, जहां पे कोई मुद्दा उठता है चुप्पी छाड़ लो, उसके बाद कुछ मत बोलो, अपने आप मुद्दा दब जाएगा, यही होता है हमारे साथ। अमित जी आप कुछ मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए भी थे, सुप्रीम कोर्ट में आपने रिट भी दाखिल की थी जहां तक मेरी जानकारी है, वो मुद्दे क्या थे, वो क्या यही मैं इसी मुद्दे की आपको बात बता रहा था। जब केसेस हुए थे तो 1200 ऑफिसर हम लोग जेसीओ जवान सब मिलके, ये 2016 का उस समय ऐश्वर्या भाटी थी बहुत अच्छी, और मुकुल रोहतगी साहब बहुत ही अच्छे लर्नेड वकील हैं, ये लोगों ने मुद्दे को समझा था, मैं सर्विंग ऑफिसर था तो पेटिशन वगैरह ड्राफ्ट करके, लेकिन इन लोगों ने सपोर्ट किया और इस पॉइंट को बढ़ाया, पॉइंट बढ़ाने के बाद में जब ये बात हो रही थी तो इस मुद्दे पे ज्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि गवर्नमेंट की आफ्टरऑल जब गवर्नमेंट आपकी है आप कानून बना सकते हो, आज आप सीआरपीसी अमेंड कर रहे हो, आईपीसी अमेंड कर रहे हो, तो आप ये भी अमेंडमेंट ले लो भाई, देश की सुरक्षा से बढ़ के कुछ है क्या? और जो देश की सुरक्षा का ख्याल रख रहे हैं उसका मोराल का कौन ख्याल रखेगा? मोराल कब बढ़ता है? जब आदमी फ्री होकर ऑपरेशन करे। इससे दो चीजें हैं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए आप नकार नहीं कर सकते, कोई आदमी एनसीओ है 14 साल 15 साल रिटायरमेंट जा रहा है, उसके दिमाग में एक डाउट डाल रहे हैं, डाउट क्या डाल रहे हैं कि यार मैंने 14 साल नौकरी कर ली, अभी ऑपरेशन हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर उल्टा आ जाए, आप समझ रहे मेरी बात? ठीक, तो ये नेशनल सिक्योरिटी को, मैं ये नहीं कहता ऐसा है बट ऐसा हो सकता है, क्यों ऐसी संभावनाएं भी पैदा करें, आदमी को बहुत ही परिपक्व होकर के सोचना है इन सब चीजों को। आपके जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो ऑपरेशन में फर्क क्या पड़ रहा है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, और इस तरह से अगर कमांडिंग ऑफिसर की डेथ हो रही है तो ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी बात नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, और बड़ा दुर्भाग्य है कि अमित जी वो आप ही के, आपने बताया कि आप ही की बटालियन, जिसको बहुत ही होनहार, बहुत ही बढ़िया ऑफिसर, जोश टाइप ऑफिसर, और उससे पता लग रहा है कि अगर कमान अधिकारी खुद आगे बढ़ के ले रहा है उसमें, तो कोई बोली बड़ी चीज है। और मैं उनको भी, जो पुलिस के बाशिंदे जो हमारे हैं, जो डिप्टी एसपी साहब है, उनके भी सिद्धांत, मैं उनको भी बोलता हूँ, तारीफ करता हूँ कि वो भी मतलब लड़के इनको, तो भी जो भी देश के लिए है वो देश में उसकी पूरी तरीके से उसकी श्रद्धांजलि उनको मिलनी चाहिए पूरे नेशनल लेवल पे, और इसमें कोई डाउट नहीं, बट वर्कआउट करना चाहिए कि आखिर ये चीजें क्यों नहीं खत्म हो रही है। अमित जी आंखों में मेरे आंसू आ गए जब मैंने ये खबर देखी, और मैंने उसके बाद टीवी चैनल खोले कि टीवी चैनलों में ये खबर आ रही होगी कि हमारे इतने बहादुर अफसर मर गए, लेकिन वहां पे जश्न की फोटो आ रही थी, जश्न। आपका मीडिया, मैंने आपको बताया ना मैं नहीं जाता किसी इंटरव्यू में, आपका मीडिया अगर कंट्रोल, क्या होते हैं, चार ऑर्गन्स होते हैं ना इम्पोर्टेंट, एग्जीक्यूटिव, मीडिया, जुडिशरी, और आपका ये जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो, और पॉलिटिक्स, ये चार ऑर्गन्स ऐसे हैं, इनको इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है। मैं मतलब बिलीव नहीं करता, आपको बुरा ना लगे, लेकिन मैं आपको मालूम है मैं बहुत सारे निकाल देता हूँ, जो साफ बोलता है मैं उसके साथ रहता हूँ, और आपको चाहिए, आप भी आज मेरे से, आपसे बात हो रही थी स्टार्टिंग में, तो मैंने आपको पहले यही बोला कि आपको मैं जानता भी हूँ, अग्निपथ पे भी आपने बहुत अच्छी तरीके से उसको हाईलाइट किया, अदरवाइज तो किसी ने हाईलाइट भी नहीं किया, लोग उसके पक्ष में बात करते हैं, अरे आप दोनों साइड तो सुनो, मीडिया का रोल ही नहीं है आज की डेट में, जान की सोल्जर्स लाइफ जो है इस देश में उसको, आप यूएस जाओ, आप देखो यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या होता है, आप बाहर की देश जाओ, इसराइल जाओ, आप कई जगह जाओगे, आप देखोगे सोल्जर्स को कैसे रखते हैं। यहाँ एक खबर हुई, यहाँ श्रद्धांजलि, अरे रेस्ट इन पीस, बहुत ही ब्रेव हार्ट, ये सब, लेकिन जब बात आती है ना कोई आदमी नहीं खुल के बोलता। मैं मतलब इसलिए मीडिया के ऊपर ज्यादा मेरे को, मैं अपने हिसाब से आदमी अपने हिसाब से चलता हूँ। ये आपकी कश्मीर में जो अफसर तैनात है उनसे बात होती भी होगी, संवाद होता भी होगा, क्या कारण है कि लगातार अशांत चल रहा है, कश्मीर शांत नहीं हो रहा, हमारे भारत कश्मीर मैं बताऊं, मैं जो सच है वो तो सही है सर, 370 के बाद में फर्क पड़ा,
कश्मीर में, ऑपरेशन में भी फर्क पड़ा है, हमें आसानी मिली। लेकिन ये जो कुछ लोग हैं जिनको क्या होता है ना, आपको ऑर्डर्स क्लियर देना है। मणिपुर का आपने देख लिया, मणिपुर में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है, आपको कुछ चीजों में बहुत ही क्लियर कट ऑर्डर देना है कि यहाँ पे ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब आप डिप्लोमेसी खेलने लगते हो, डिप्लोमेसी गेम जब आप खेलने लगते हो तो गलत है। आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने कश्मीर से 370 हटाया, आपने शहादत दे दी हमारे जितने हमारे जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उसके बाद में आप फुल फ्लेज क्लियर आप उनको बताओ कि भाई कोई इसमें चीज बर्दाश्त नहीं होगी। अभी तक तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है ऑपरेशन में, अभी तक ऐसा मैंने नहीं देखा ना ही सुना है, ऑपरेशन में कोई इंटरफेरेंस किसी गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन ऑपरेशन के बाद में इंटरफेरेंस बहुत जरूरी है। वो परेशानियां ढेर सारी आ जाती है बाद में। और प्लस सोल्जर को खुश रखने का जो माहौल है कि बंदा जब वापस, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, कोई ऐसी स्टेट में रखा है, उसके बाद आप उसको क्यों दौड़ा रहे हो भाई कोर्ट कचहरी में, क्यों उसको बोल रहे हो पेंशन, शर्म आती है। आपको एक और चीज बता दूं, मैंने ब्रॉडबैंडिंग का केस जब मैं YC लीगल से सुप्रीम कोर्ट था, तो ब्रॉडबैंडिंग में 20% के बाद में अगर 20 से 50 हो तो 50% ऐसे करके परसेंटेज बढ़ गए थे। ये केस गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए, FTC से जीत गए थे। जस्टिस चीफ जस्टिस दत्तू वो ऐसे चश्मा उतार के उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने जजमेंट पास के सुना ही नहीं किसी को, और आंसू पूरे उनके निकले, हम देख रहे थे सामने। कुमार सुब्रमण्यम स्वामी हमारे बगल में बैठे हुए थे, पटवालिया साहब इसको लड़ रहे थे, आंसू निकले उनके। उन्होंने बोला कि यार सोल्जर्स के लिए पीनट्स है अगर आप ये नहीं देखते, और उन्होंने फिर जजमेंट पास किया। लेकिन उसके बाद भी लोगों की, ब्यूरोक्रेट्स की आंखें नहीं खुल रही हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनको बेशरम है, जो जिनको शर्म नहीं आती और बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ही करूँ। तो क्या जो ऑफिसर्स हैं ऐसे, इनको निकालिए। अगर कोई माफी मांगते हुए कहूंगा कि ब्यूरोक्रेट क्या करेंगे, जब ब्यूरोक्रेट के ऊपर बैठा हुआ नेता को समझ नहीं आ रहा कि हमारी फौज है, इनके अधिकार है, इनकी परेशानियां हैं, जब नेता नहीं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या है, मैं दोनों को बोलता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उनकी भी गलती है। उनकी इसलिए गलती है क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं है उतने, समझदार नहीं है, तो आपको क्या हो रहा है, आपको पूरा का पूरा उनके ऊपर बेस होना पड़ता है। एग्जीक्यूटिव सारी चीजें देखते हैं, तो अगर आप गाइड कर रहे हैं ऐसा नहीं है, एग्जीक्यूटिव्स आर डूइंग वेल, अच्छे हैं, बट कुछ जगह जहां पे जो फौजियों से रिलेटेड है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप बोल क्या रहे हो, और आप मिसगाइड तो नहीं कर रहे हो, आप सही चीज बता रहे हो गवर्नमेंट को, और अगर बताने के बाद ये हो रहा है तो गलत है। अग्निपथ जैसी स्कीम आई है, फेलियर है, अभी देखते हैं उसमें आगे क्या होता है, किस तरह से आगे बढ़ता है। हमने अपने पूरे पॉइंट डाले। अमित जी, अग्निपथ में भर्तियां हुई, क्या लग रहा है ये इतना बड़ा ट्रेंड बेरोजगार निकलेंगे जो मैं बिल्कुल बेबाक बोलता हूँ, बिल्कुल साफ बोलता हूँ, ये फ्लॉप है। इनको जब तक इस पे वर्कआउट नहीं करेंगे, मैं इस पे हमेशा खिलाफ रहूँ, ये जो बच्चे हैं ना इनके साथ गलत हुआ है, तो इसमें मैं इसे, अब कोर्ट ने माना है, न्यायाधीश ने बोल दिया है, तो अब हमें उनकी रेस्पेक्ट के साथ में उनको डिसीजन को लेना है। लेकिन उन्होंने यही बोला है, ये नहीं बोला इसके अंदर, उन्होंने बोला गवर्नमेंट की पॉलिसी चैलेंज नहीं हो सकती, वो अपनी जगह सही है कानून में, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, जज का काम नहीं है। ये जज का काम है एक ऑर्डर को जो उसको मिला हुआ है पार्लियामेंट, भाई लोग सिलेक्ट होकर आए हैं, इलेक्ट होकर के आए और ये इलेक्ट होकर के पॉलिसी बना रहे हैं, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो उसको जज उसमें वो नहीं कर सकते चैलेंज, अपनी जगह वो सही है जज, बट सबको मालूम है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। कर्नल रवि जी, मेरे एक मित्र और हैं, कर्नल हैं, वो भी अभी रिटायर हुए हैं, उनकी पीड़ा ये थी कि फौज के सैनिकों के अफसरों के बहुत सारे अधिकारों में कटौती कर दी गई है, उनके कैंटीन से मिलने वाले सामान और बाकी उपभोक्ता की चीजों में कटौती की गई है, और तमाम वो लिस्ट बता रहे थे कि फिर GST लगा दिया गया, इस पे कटौती कर दी गई, वो जो पेंशन का मुद्दा था वो हल नहीं हुआ, ये सारी परेशानियां आ रही हैं क्या? नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन है, एक तो फौजियों को NFU नहीं मिल रहा है। नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन एक ऐसी चीज है कि आपके बाहर के जो साथ के लोग हैं, इनफैक्ट जो मिनिस्ट्री में डिफेंस में बैठे हुए हैं, उनको भी NFU लागू है। यहाँ एक ऑफिसर एक रैंक में वही पैसा लेता है। अब सब लोग जानते हैं NFU होता है कि आप तो अगर प्रमोशन नहीं मिलता तो आपकी पे स्केल बढ़ता जाता है। NFU हमें नहीं मिल रहा है, और इसमें भी हमें केस जीतने के बाद आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल से, केस जीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट में हमें भागना पड़ रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में भी अभी 2-4 साल हो गए। तो ये जहां पे गवर्नमेंट बात करती है इनका, देखिए मैं सबसे बढ़िया इनका तरीका बताता हूं जो इनको लीगल एडवाइजर्स ने बता रखा है। पहली चीज तो साइलेंस रखो, अन्याय करो साइलेंस रहो, जब साइलेंस हो जाते हो तो फिर बंदा जाएगा कोर्ट में, जैसे ही कोर्ट में मैटर जाता है तो इनका क्या कहना होता है वहां पे, मैटर सब्जुडाइज है हम कुछ बोल नहीं सकते, तब नेता बाहर आके बोलता है मैटर सब्जुडाइज है हम कुछ बोल नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ,
आप हमें मतलब बिल्कुल ही आपको समझिए ना कि हम फौजी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें, और दूसरी तरफ कटौती वगैरह की जो बात हो रही है, हमें फर्क नहीं पड़ता, फौजी आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से चलते हैं, देश के लिए काम किया, आप नहीं दोगे नहीं लेंगे, खैरात नहीं। अभी टोल टैक्स का इशू देखिए, टोल टैक्स में इतने दिनों से बंदे हमारे, उनकी बेइज्जती की जा रही है टोल टैक्स हर जगह एरिया में, कोई गवर्नमेंट में, नितिन गडकरी साहब को भी मैंने वीडियो बना के भी भेजा, उन्होंने बोला तक नहीं अभी तक, ऑर्डर ही नहीं पास किए। अरे भाई, जब एक्ट में टोल टैक्स एक स्पेशल एक्ट है, उसमें दिया हुआ है कि इनको टोल की वो मिलनी चाहिए एग्जेम्पशन फौजियों को, तो आप कहां से अपनी पॉलिसी लेके आ रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है, लेकिन नहीं बोला जा रहा, ना ही ऑर्डर पास की जा रहा है, बेइज्जती कर रहे हैं जवानों की हमारे और ऑफिसर्स की, टोल टैक्स वाले बंदे। तो ये सब इशू में कौन काम कर रहा है? गवर्नमेंट को काम बोलना नहीं चाहिए? तो ये सारी चीजें है ना, जो जो कटौती और उसकी बातें कर रहे हैं ना, ये सब चीजें, जो पेंशन की बात में जजमेंट आ रखा है, गाइडलाइंस, जाहिर बात है जब आपका एक जजमेंट डिसाइड हो गया, इशू डिसाइड हो गया है, तो बाकी जो केसेस हैं, आपको किसी को कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक पॉलिसी के तहत आपको सीधा ऑर्डर निकाल देना और सबको देना पेंशन शुरू कर देना, बट नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? अभी पेंशन के ऊपर कुछ नहीं चल रहा है, तो अब इनका दिमाग केवल फौजियों के पेंशन पे लगा हुआ है कि किसी तरह डिसेबिलिटी पेंशन को पकड़ लो। बहुत डिफरेंस है फौज में काम करना और नॉर्मल आदमी की तरह। 24 घंटे मानसिक और शारीरिक तौर पे फौजी काम करता है, मानसिक तौर पे इसलिए करता है कि रात में सो भी नहीं पाता वो टाइम पे, सुबह उसके दिमाग में होता है। तो जो कहते हैं ना, सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, इस चीज को जब तक वो लिखेंगे नहीं ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं इसमें विषय में, मतलब बहुत लगता है, खराब लगता है कि फौजियों की पेंशन, उनके सम्मान के, उनके भत्तों में कटौती की जा रही है, नेताओं के हजारों करोड़ के जहाज आ रहे हैं, भवन बन रहा है, मंत्रियों की तनख्वाहें दुगनी हो रही हैं, पेंशन दुगनी हो रही है, और जो जान दे दे रहा है देश के लिए, उसके लिए पेंशन तक नहीं है। मैं तो यही बोलता हूँ, सोल्जर्स लाइफ इज वेरी चीप इन दिस कंट्री, इज वेरी चीप, सोल्जर्स की लाइफ बहुत चीप है इस देश में, लोग चार दिन सोचते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। हमारे लिए तो, हमारे जो पब्लिक है, जो पेट्रियोटिक पब्लिक है, जिस दिन ये जो इनके लिए हमारा जज्बा बढ़ा रहता है, हम इन्हीं की वजह से चलते हैं, जवान, जेसीओज, ऑफिसर्स, सारे के सारे इन्हीं की वजह से चलते हैं, बिकॉज हमें इनको देखना होता है। जब हम लोग भी कंपटीशन वगैरह करते थे फायरिंग में, जब फायरिंग में नहीं लगता था, तो मैं अपने बंदों को बोलता था कि एक 75 रुपये का एक कार्टेज आता है, एक बंदे की रोटी है, और अगर से तुम बर्बाद कर रहे हो तो एक आदमी भूखा, उसकी जो ब्लेसिंग्स है ना, इस तरह से हम लोग तो अपने बंदों को ट्रेन करते हैं। तो हमारी जहां तक ट्रेनिंग की बात, मैं हर एक फौजी को सलाम करता हूं जो इस समय काम कर रहा है देश के लिए, हर एक फौजी, हर एक आर्म्स का, क्योंकि फौज का इतना अच्छा रुतबा है, काम करने का तरीका है, इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन जब आप किसके अंडर में काम कर रहे हो, उसमें जो बैठे हुए लोग हैं, उनको देखना भी है कि ये इनका मोराल जो है वो हाई रहे, डाउन ना हो। बोलेंगे नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं तो कुछ बाहर चीजें नहीं आएंगी, चाहे वो प्राइवेसी का अधिकार हो, चाहे वो इंटरनेट और सॉफ्टवेयर का अधिकार हो, हर चीज है, नेशनल सिक्योरिटी से बढ़ के कुछ नहीं है। बट ये सब चीजें आपको अपनी फौज को भी थोड़ा डेवलप करना है। आपने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कोई भी आदमी उस पर नहीं रहेगा, स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करेगा, ये आप फौज को बढ़ाना चाह रहे हो, एक तरफ बोलते हो मैं टेक्निकल सेवी करना चाहता हूँ फौज को, दूसरी तरफ बोलते हो नहीं ये नहीं करेगा। तो ये सब पॉलिसीज वगैरह जो बनाई है आपने, जिसको देश से गद्दारी करनी है ना, उसको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे शहीद हेमराज का सिर काट के ले गया है पाकिस्तान और वो हम सिर वापस लेकर आएंगे, लेकिन जब सरकार बदली और जो शहीद का सिर वापस ला रहे थे तो शहीद का सिर तो नहीं आया, सरकार से इनको तो हमें कुछ नहीं, बट हमारे फौजी ने काम किया। अभी जी मैं उस फीलिंग को समझना चाहता हूँ कि जब कहा गया कि हम शहीद हेमराज का सर जो काट के ले गए पाकिस्तानी वापस लाएंगे, लेकिन जब शपथ ग्रहण हुआ तो सर तो नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हमारे चीफ गेस्ट बनकर आ गए, तो जो फौजी सोच रहे थे हमारे भाई का सिर वापस आएगा, उन्होंने सिर काटने वाले को हमारा मेहमान बनते देखा, तो फौजी के दिल में क्या आता होगा? मैं वैसे आपको बताता हूँ, फौज में इसका फर्क नहीं पड़ता, डिप्लोमेसी गेम जो खेल रहा है खेलता रहे। हमारे फौजियों को एक चीज़ वेरी क्लियर है, अभी आज का जो ऑपरेशन हुआ है ना, ये हमारे जो खालसे हैं, सरदार है ना, छोड़ेंगे नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी रेजिमेंट के बारे में मालूम है, सिख लाइट इन्फेंट्री और 19 RR राष्ट्रीय, ये जो बंदे हैं ना, ये छोड़ने वाले नहीं है। तो आप ये तो हमें बताने की जरूरत नहीं। और रही बात जो उन्होंने किया, जो उनको ऊपर खेलना है खेलें, हमारे नीचे लेवल पर जो हम करते हैं, हमें इंटरफेरेंस नहीं है, हम तो फिर अच्छी तरीके से इनको वापस वो करते हैं जो उनको चाहिए होता है।
तो उसकी आप चिंता मत करिए, देश आपका पूरा उस मामले में सुरक्षित हाथों में है। हमारा काम ही नहीं, हम गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलते, हम देश की सुरक्षा के हिसाब से चलते हैं। इसलिए अगर हमारे ऊपर दबाव भी डालते हो आप, हमको बोलोगे कि हम तुम्हें काट देंगे, हम तुम्हें ये भी कर देंगे, हम तुम्हें लीगल, हम शहीद हो जाएंगे। जब आदमी फौज में अपनी जान दे सकता है तो लीगैलिटी में अपने आप को भी बर्बाद कर देगा, क्या परेशानी है। अगर वो बंदे को फायर खोलना है ना, तो वो ये नहीं सोचेगा कि नहीं खोलना है, कि मेरे ऊपर केस हो जाएगा, बोलेगा ठीक है यार लड़ लेंगे, देश से बढ़ के कुछ है क्या। आप सोचो, जज्बा तो यही हमारे अंदर में। तो फौज में जो बंदा आता है ना, वो वैसे ही रहता है, उसके उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो आपको ये चीज, गवर्नमेंट आती है चली आती है, हमें उससे मतलब नहीं, बट जो इंटरनल बटालियन यूनिट्स जो लड़ाई करती हैं, वो नहीं छोड़ती किसी को। इतना है अभी फौज में, इसके लिए आपको मैं पूरा बहुत दिल से शुक्रिया और बहुत आभार और सलाम अमित जी आपको, भारत की सेना को, कि आप जैसे बहादुर लोगों के भरोसे ये देश सुरक्षित है। शुक्रिया अमित जी हमें समय देने के लिए, और हम कभी और ज्वलंत मुद्दे पे आपसे बात करते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू संजय जी, थैंक यू। नमस्कार। सुना आपने, ये थे कर्नल अमित। आपकी तरह मैं भी दुखी हुआ इनसे बातें करके, लेकिन पता नहीं ये देश के हुक्मरान, ये देश का नेतृत्व, ये देश के राजनेता कब फौज की बात सुनेंगे। आएगा वो दिन जब आप खड़े होंगे, जब आप फौज के साथ खड़े होंगे, जब आपको एहसास होगा कि आप चैन से सो रहे हैं, क्योंकि एक आदमी सियाचिन की कड़कड़ाती ठंड में अपनी जान को, हड्डियों को गला देने वाली ठंड में बंदूक लेके खड़ा है, क्योंकि आप चैन से सो पाए, और आपका दर्द जब आपकी लेखनी में आएगा, आपके शब्दों में आएगा, तो यकीन मानिए परिवर्तन जरूर होगा, वो सुबह कभी तो आएगी। शुक्रिया, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।